सबसे पहले खबर सागर से, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला किया गया है। शराब तस्करों ने दो पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ा दी है। एक गाड़ी को रोका गया तो दूसरी गाड़ी से टक्कर मार दी। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुरई देहात थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम है। सागर से आपको यह खबर दिखा रहे हैं, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस के ऊपर हमला किया गया। शराब तस्करों ने दो पुलिसकर्मियों पर अपनी कार चढ़ा दी। एक गाड़ी को रोका तो दूसरी कार से टक्कर मारी। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुरई देहात थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। सागर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चेकिंग के दौरान, रात्रि गश्त के दौरान जब चेकिंग होती है, उस दौरान कार में शराब तस्करी की जा रही थी और इस दौरान एक कार को रोका गया तो दूसरे कार से आरोपियों ने पुलिस वालों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। और ये दो लोग आपको देख रहे हैं, दिनेश राय और सत्येंद्र निगम, ये दोनों जख्मी हुए हैं और एक आरोपी को इस बीच गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो शराब तस्करी में के लोगों में किस तरह से हौसले बुलंद हैं, किस तरह की दबंगई दिखाते हैं, सागर में इसकी बानगी देखने को मिली, जहां पर कार की, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों पर ही शराब तस्करियों ने, तस्करों ने कार चढ़ा दी। शिवम तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, दो पुलिस कर्मियों पर शराब तस्करों ने कार चढ़ा दी, इन दोनों की स्थिति कैसी है ये बताइए और क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है इस पूरे घटनाक्रम की? जी सर, ये घटना कुछ ऐसी है कि पुलिस ने शराब तस्करों के लिए चेकिंग लगा रखी थी। वहीं देर रात का ये मामला है जहां पर दो कार से आरोपी जो है वो अवैध शराब का परिवहन करते हुए निकल रहे थे, लेकिन चेकिंग को देखकर उन्होंने चुपचाप वहां से छिपकर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा धर लिया गया। पुलिस ने जब उनको पकड़ने की कोशिश की, चेक करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक कार को छोड़कर दूसरी कार पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी और पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। पुलिसकर्मियों का फिलहाल इलाज चल रहा है, निजी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि गंभीर चोटें नहीं आई हैं, ऊपरी चोटें ही हैं, लेकिन दोनों पुलिस, दो कांस्टेबल थे, दोनों ही पुलिसकर्मी अभी इलाजरत हैं। उनमें से चार कुल आरोपी थे जो कि शराब तस्करी कर रहे थे, उनमें से एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया था और बाकी तीन की तलाश अभी भी जारी है। जी शिवम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।